देखिए, बीपीएससी 67वीं परीक्षा को लेकर के अभी कुछ देर पहले आपने देखी किस तरीके से तमाम छात्रों का हुजूम निकला हुआ था बीपीएससी के पास में जाकर के। ये लोग लगातार बात कर रहे थे कि जो परसेंटाइल लगा है और साथ ही साथ दो दिन का जो एग्ज़ाम इन्होंने किया है इसको हटाने को लेकर के छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे, और इसी क्रम में लाठी बरसाई गई हैं और छात्र नेता दिलीप कुमार को सचिवालय थाने में अभी अंदर 20-22 लोग उनके साथ में मौजूद हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदर में छात्र नेता दिलीप कुमार भी हैं, उनको चोट भी आई है, काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ है। सिर्फ छात्र नेता दिलीप ही नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो घवाहिल हैं, किन्हीं का हाथ जो है वो कट गया है, कई जगहों पे चोट आई हैं। अंदर क्या कुछ हो रहा है प्रोसेस, हमारे साथ एक भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, क्या कुछ बातें हुई हैं, दिलीप जी को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया, क्या बातचीत हुई है, चार्ज लगाया गया, क्या कुछ हुआ है अंदर में? हम लोग ने जैसा कि पिछली बार जो है कि ज्ञापन सौंपा था बीपीएससी को, उसी के आलोक में आज हम लोगों को बुलाया गया था बुधवार को। तो उसी क्रम में हम लोग जो है, और काफ़ी लड़का इसमें था जो कि स्वतः स्फूर्त था, किसी को ऐसा कहा नहीं गया था। भाई सब लोग जान रहे हैं कि ये सिस्टम जो है सबके लिए वाजिब नहीं है सिस्टम में, तो वो लोग वहाँ से चले, हम लोग पटना कॉलेज के पास से घूमते हुए यहाँ तक आए गांधी मैदान होते हुए। पुलिस का जैसा निर्देश था उस हिसाब से हम लोग आ रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम लोग हड़ताली मोड़ के पास आए तो उसके पहले आई कार्ड गोलंबर से ही थोड़ा बहुत हम लोगों को मतलब ये कर रहा था कि भाई मत जाओ आगे ये वो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक आए, जो भी पुलिस का तरीका था हम लोग संवैधानिक तरीके से आ रहे थे। और यहाँ आने के बाद हड़ताली मोड़ के पास एकाएक बारिश शुरू हो गई उस समय, और लाठी चार्ज वगैरह हो गया, जिसमें काफ़ी लड़के घायल हुए हैं। कुछ लड़के पीएमसीएच गए, यहाँ वहाँ गए प्राथमिक उपचार के लिए। अभी क्या हुआ उसके बाद, फिर दिलीप उधर से आ रहे थे, मैंने देखा उनको कि उनका एक हाथ जो था पूरा इंजर्ड था, और एक ठेला पर उनको तीन लड़का पकड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो उनको लेकर के आए यहाँ पर विश्वेश्वरैया भवन के सामने में, वहाँ पर आने के बाद उनको लड़कों ने उनको कहा कि सर इनको प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है, इनको ले जाया जाए, लेकिन उस समय पुलिस की गाड़ी आई, उनको जो है कि उठा लिया गया। दिलीप जी दर्द से परेशान थे, और इस क्रम में उनका सारा कुछ फ़ोन वोन ये वो सब टूट गया, धूल दूसरित हो गए थे, और उनको और चोट से कराह रहे थे वो उस समय। तो बाकी जो लोग थे फिर उसी हिसाब से सब आंदोलन जो था, लड़के तितर बितर हो गए, लाठी वगैरह चार्ज होने लगा, ये सब हुआ। तो अंदर बैठाया गया है, क्या अधिकारी से बातचीत हुई है, क्या कुछ कब तक ऐसा कुछ चार्ज वगैरह भी लगाया गया है क्या? अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, लगभग आपको आधे पौने घंटे पहले आए हैं। पहले दिलीप जी को लाया गया, फिर हम लोग आए वहाँ से, जैसे जानकारी हुई पता नहीं था कि किस थाना में ले गया, क्योंकि जो निकटवर्ती थाना था सचिवालय थाना, तो हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद हम लोग संपर्क किए यहाँ पर जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि सक्षम पदाधिकारी अभी है नहीं, जो आएंगे तो उनके हिसाब से फिर बात होगी। तो अभी हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 12-15 के आसपास होंगे, क्योंकि कुछ आंकड़ा नहीं है, लड़के बहुत सारे थे, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लड़के, अब गिनती तो नहीं कर सकते 7-8 हज़ार लड़के, लेकिन थे लग रहा ज़्यादा ही होंगे। और उसमें से कितने लड़कों को पकड़ा गया है और कितने क्या है नहीं है, अब जो जिनके कोई दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो वो उनको फ़ोन कर रहा है, तो हम लोग मालूम कर रहे हैं कितने लड़के यहाँ पर हैं, हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कब तक बैठाया जाएगा अंदर, कोई अधिकारी से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, या चार्ज लगाया जाएगा, क्या कुछ हुआ इधर? अभी हमने बात किया था यहाँ पे, जो बाहर में गार्ड बैठे हुए हैं जी। तो इनसे बात हुई तो बोले कि यहाँ कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है, थाना प्रभारी भी नहीं है, सब निकले हुए हैं बाहर में, तो बोले कि जैसे ही आता है तो उनसे बात करेंगे। तो हम तो बोले भाई कोई तो यहाँ पे होगा ना, उनसे बात करवाइए, मिला नहीं सकते, जो प्रभारी होगा जो इंचार्ज होगा उससे बात करने के बाद क्या है, कितने लोग हैं। तो इन्होंने बताया कि 20-22 लोग हैं, ये का बोला कि यहाँ पे होठ फटा हुआ है और दो का हाथ टूटा हुआ, उन लोग का इंजर वगैरह करवाने की कुछ बातचीत नहीं हुई, ऐसा तो इन लोग कुछ बोला नहीं, क्या उपचार किया या क्या नहीं किया प्राथमिक उपचार, लेकिन कुछ तो किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो बैठे हुए। जैसे तो हम लोगों को जो भी डिटेल मिला यहीं से मिला, हम लोगों को बाहर कोई डिटेल आई नहीं है, जो हम लोग बता पाए अंदर क्या स्थिति में है। विशेष रूप से हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो आगे की लीगल प्रोसेस क्या, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि क्या धारा लगा क्या नहीं लगा, ठीक है, तो हम उस फील्ड से संबंधित है, समझे, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि ताकि हम देखें भाई कि क्या कोई इन पे धारा तो नहीं लगा है, ठीक है, अगर धारा लगा होगा तो फिर आगे हम लोग उस हिसाब से एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 घंटा बाद हो सकता है डिस्चार्ज छोड़ दिया जाएगा, यदि छोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का हम लोग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो मुद्दे दिलीप जी उठाए थे वो काफ़ी जेन्युइन थे, परसेंटाइल सिस्टम मेरा मानना अभी भी कहना आपके माध्यम से कहना है कि जो आप दो पाली में परीक्षा ले रहे हैं तो आप परसेंटाइल क्यों लागू कर रहे हैं, आप उसी को मॉडरेट हिसाब से लागू कीजिए ना भाई, कि इतना उपस्थिति यानी फर्स्ट फेज में अगर 2 लाख बच्चा होता है तो 2 लाख का, और सेकंड फेज मान ले 3 लाख होता है तो 5
5 लाख लड़का हो गया, ठीक है, अब 10,000 रियल देते हैं तो 2 लाख का दे दिए, उसका मतलब देना 10% देते हैं तो 4,000 वहाँ से उठा लीजिए और यहाँ का 10% 6,000 से उठा लीजिए। लेकिन आप परसेंटाइन मतलब कीजिए, आप अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, पता नहीं चलेगा किस लड़का कितना मार्क्स था किसका नहीं था। और इसमें क्या हो जाएगा ना कि जो अनक्वालिफाइड लोग जैसे पहले से सिस्टम में घुस रहे थे उनको घुसाने का सिस्टम प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि मान लीजिए आप 2 अलग अलग कटअप निकाल दीजिए, अगर लगता है कि हम इसी लेंगे तो 2 अलग अलग कटअप निकालिए ना भाई, प्रथम चरण का अलग क्वालिफाई मार्क्स कर दीजिए, सेकंड चरण अलग कर दीजिए और उपस्थिति के हिसाब से आप रिजल्ट जारी कीजिए। मान लीजिए 6 लाख बच्चे आपके पास है तो प्रथम चरण में अगर मान 2 लाख बच्चे बैठते हैं तो उसका प्रतिशतता निकाल लीजिए और सेकंड चरण में कितना बैठते हैं उसका प्रतिशतता निकाल, उसके हिसाब से आप रिजल्ट जारी करेंगे। कट ऑफ अलग अलग हो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को इक्विवेलेंट परसेंटाइल इक्विवेलेंट करेंगे तो उसमें मालूम नहीं होगा कि प्रथम चरण के बच्चे क्या मार्क्स आया, सेकंड चरण के बच्चे क्या मार्क्स आया, ये मालूम नहीं हो पाएगा, जो कहीं ना कहीं फिर वही पुरानी विधि को दोहराने का माध्यम, एक नया तरीका हो जाएगा सिस्टम में घुसाने का, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और जेनविन है, सरकार को माननी चाहिए, बात देखना चाहिए, खासकर तेजस्वी जी को इस मुद्दे पर रखनी चाहिए और दिलीप जी काफ़ी जुझारू हैं विशेष रूप से छात्रों के लिए, तो उनके प्रति हम सबों का सहानुभूति रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं दिलीप जी छात्र हित के लिए ही कर रहे हैं। और मेरा विशेष रूप से छात्रों से अनुरोध रहेगा, ठीक है, कि दिलीप जी के साथ हमेशा खड़े रहें, ठीक है, क्योंकि जो भी आज आपके हक में जो भी काम हो रहा है उसमें दिलीप जी की भूमिका काफ़ी सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं उनको फिलहाल अभी बैठाया गया अंदर में, कोई अधिकारी नहीं आए हैं, बातचीत नहीं हुई, उनके साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बातचीत करने की, जो भी प्रोसेस होगा लीगली ये लोग उस प्रोसेस को अपनाएंगे और छात्र नेता दिलीप कुमार को ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर लाया जाए, एक बार फिर से इनकी आवाज़ को वहाँ तक BPSC तक पहुँचाया जाए। तो इस खबर में इतना ही, आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ, मैं रत्नेश पांडे, हमारे सहयोगी अमृतेश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।